अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद जफर है, आप देख रहे हैं एमजेड लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी एप्पल कंप्यूटर में अपना कोई भी प्रिंटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमने macOS महावे, जो कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम तक का एप्पल का लेटेस्ट और करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्सन के T60 प्रिंटर का इंतखाब किया है। लेकिन डोंट वरी, अगर आप मैक का कोई प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या किसी भी डिफरेंट कंपनी का कोई भी दूसरा मैक कंपेटेबल प्रिंटर अपने एप्पल कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इंस्टॉलेशन का तरीका इसी तरह सेम ही होगा। इंस्टॉलेशन से पहले आपने अपने प्रिंटर की पावर केबल को पावर सॉकेट और उसकी डेटा केबल को अपने एप्पल कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में लगाकर प्रिंटर को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप अपने प्रिंटर को ऑन करेंगे, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, मेक श्योर कि आपका कंप्यूटर इस दौरान इंटरनेट से कनेक्ट हो। ये डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली आपके किसी भी मैक कंपेटेबल प्रिंटर के ड्राइवर को न सिर्फ डाउनलोड कर देगा बल्कि उसे इंस्टॉल भी कर देगा। आपने जस्ट इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। अगर किसी वजह से ये डायलॉग बॉक्स नमूदार नहीं होता या आप ऑनलाइन के बजाय अपने प्रिंटर का ड्राइवर किसी भी CD, USB या हार्ड ड्राइव के बैकअप से इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप एप्पल मेन्यू या डॉक से सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाएं और प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स के आइकन पर क्लिक करें और फिर इस प्लस आइकन पर क्लिक कर दें। इस जगह जो भी प्रिंटर आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया होगा जाहिर हो जाएगा। आपने उसको सिलेक्ट करना है और थोड़ा नीचे आकर इस यूज के ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट सॉफ्टवेयर या अदर्स पे क्लिक करके आप वो पाथ सिलेक्ट कर लें जहां से आप अपने प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे किसी USB, CD या हार्ड ड्राइव का बैकअप वगैरह, और फिर इस एड बटन पर क्लिक करके अपने प्रिंटर को इंस्टॉल कर लें। बहरहाल, हम इन दोनों विंडोज को क्लोज करके अपने प्रिंटर को ऑनलाइन इंस्टॉल करने के लिए इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन इंस्टॉलेशन का एक फायदा ये भी है कि आपके प्रिंटर का लेटेस्ट और एक्यूरेट ड्राइवर इंस्टॉल होगा, जबकि USB CD या हार्ड ड्राइव के बैकअप में रखा हुआ ड्राइवर ओल्ड वर्जन हो सकता है, जो कि शायद आपके लेटेस्ट विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 100% कंपेटेबल ना हो। इंस्टॉलेशन खत्म होते ही ये डायलॉग बॉक्स गायब हो जाएगा और आपका प्रिंटर इंस्टॉल होकर रेडी टू यूज हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो एक मरतबा फिर सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाके प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। और इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MZ लर्निंग को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।